आएगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं तो वो खुशबू हूँ जो हवाओं में बिखर जाऊंगा, मैं तो वो खुशबू हूँ जो हवाओं में बिखर जाऊंगा। भारत माँ की गर्भ से पैदा होने वाले वैसे तो लाखों जवान हैं, मगर कुछ जवान ऐसे भी होते हैं जो हमेशा के लिए अपनी बहादुरी के झंडे गाड़ देते हैं। उन्हीं में से एक नाम है भारत माँ की आंचल उत्तराखंड की धरती पर जन्मे वीर जसवंत सिंह रावत का। 1962 के भारत चीन युद्ध में 72 घंटे तक अकेले बॉर्डर पर लड़कर शहीद होने वाले भारतीय सेना के जसवंत सिंह रावत आज भी अमर हैं। आज भी 24 घंटे उनकी सेवा में सेना के 5 जवान लगे रहते हैं। यही नहीं, रोज सुबह और रात की पहली थाली जसवंत सिंह की प्रतिभा के सामने परोसी जाती है, रोजाना उनके जूते पॉलिश होते हैं और यूनिफॉर्म प्रेस की जाती है, और आश्चर्य की बात यह है कि हर अगली सुबह जब चादर और उनके कपड़ों को देखा जाता है तो उसमें सिलवटें नजर आती हैं, वहीं पॉलिश के जूते भी बदरंग हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब कोई जवान पोस्ट पर ड्यूटी के समय सोता है तो ऐसा माना जाता है कि शहीद जसवंत सिंह की आत्मा उसे थप्पड़ मारती है और यह एहसास दिलाती है कि देश की सुरक्षा का जिम्मा उनके ऊपर है, इसलिए जागते रहो। वहाँ रहने वाले जवानों और स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी जसवंत सिंह भारत की रक्षा कर रहे हैं और वह करते रहेंगे। इस आश्चर्यचकित करने वाले योद्धा की कहानी शुरू होती है 17 नवंबर 1962 से। 17 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला कर दिया और इस दौरान सेना के बटालियन की एक कंपनी नूरानंग की सेफ्टी के लिए तैनात की गई, जिसमें जसवंत सिंह रावत भी शामिल थे। इस लड़ाई में चीनी सेना द्वारा प्रयोग की गई मीडियम मशीन गन की जोरदार फायरिंग ने गढ़वाल राइफल को मुश्किल में डाल दिया था, इसलिए भारतीय सेना ने गढ़वाली यूनिट की 4th बटालियन को वापस बुला लिया। मगर इस बटालियन में शामिल जसवंत सिंह, लॉन्स नायक त्रिलोकी सिंह नेकी और गोपाल गोसाई नहीं लौटे। ये तीनों सैनिक एक बंकर से गोलाबारी कर रहे चीनी मशीन गन को छुड़ाना चाहते थे और ऐसे में गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने ऐसा कदम उठाया जिसने जंग की दिशा ही बदल दी। राइफलमैन जसवंत सिंह, लॉन्स नायक त्रिलोकी सिंह, राइफलमैन गोपाल सिंह झाड़ियों और चट्टानों में छिपकर भारी गोलाबारी से बचते हुए चीनी सेना के बंकर के करीब पहुंच गए और महज 15 यार्ड की दूरी से हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन सेना के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और मशीन गन भारत चौकी पर ले आए और चीनियों को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। इससे जंग की दिशा ही बदल गई। चीन का अरुणाचल प्रदेश को जीतने का सपना पूरा नहीं हो सका। हालांकि गोलाबारी में त्रिलोकी और गोपाल सिंह मारे गए, इस दौरान जसवंत सिंह ने 2 स्थानीय लड़कियों सेला और नूरा का सहारा लिया और उनकी मदद से अलग अलग जगहों पर हथियार रखकर जसवंत सिंह ने चीनी सेना पर हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले से चीनी सैनिक आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें लगा कि भारत की तरफ से वहां पूरी बटालियन मौजूद है। कहा जाता है इस लड़ाई में जसवंत सिंह ने अकेले 300 सैनिकों को मार गिराया, जिससे चीनी सैनिकों के हौसले पस्त हो गए। जसवंत सिंह को जिस गांव से मदद मिल रही थी, उस गांव से जसवंत सिंह को राशन पहुंचाने वाले शख्स को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया, जिससे उन्हें पता चला कि उनसे लोहा लेने वाली कोई बटालियन नहीं बल्कि एक अकेला आदमी है। तो उनके होश उड़ गए और उन्होंने जसवंत को चारों तरफ से घेर लिया, गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे जसवंत सिंह को लगा कि अब वे नहीं बचेंगे, तो उन्होंने आखिरी गोली अपने आप को मार ली। मगर चीनी सैनिकों के कमांडर उनसे इतना नाराज थे कि उन्होंने उनके सर को धड़ से अलग कर दिया और चीन ले गया। लेकिन जसवंत की बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि लड़ाई खत्म हो जाने के बाद उसने जसवंत जी की प्रतिमा बनवाकर भारत सैनिकों को भेंट कर दी, जो आज भी उनकी स्मारक में लगी हुई है। जिस स्थान पर उन्होंने मोर्चा संभाला था वहां पर उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया है, जहां पर उनको इस्तेमाल की जाने वाली अधिकतर चीजें रखी गई हैं। इस रास्ते से गुजरने वाले चाहे चीनी सैनिक हों या आम लोग, उन्हें श्रद्धांजलि दिए बिना कोई आगे नहीं बढ़ता। जसवंत सिंह की बहादुरी के चलते सेना ने उनके लिए ऐसा काम किया जो आज भी एक मिसाल है। जसवंत सिंह को शहीद होने के बाद भी रिटायरमेंट नहीं दिया गया। वह भारतीय सेना के अकेले सैनिक हैं जिन्हें मौत के बाद भी प्रमोशन मिलता रहा। उन्हें कैप्टन, फिर मेजर, फिर जनरल का पद मिला और जब मौत के 40 वर्ष के बाद रिटायरमेंट का समय आया तभी उन्हें रिटायरमेंट दिया गया। उनके नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगाया जाता। जब उनके परिवार वालों को उनकी जरूरत होती है तो भारतीय सैनिक उनकी तरफ से छुट्टी की दरख्वास्त देते हैं और जब छुट्टी मंजूर हो जाती है तो सेना के जवान उनकी फोटो को पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके उत्तराखंड के पुश्तैनी गांव में ले जाते थे और जब उनकी छुट्टी समाप्त हो जाती थी तो उसी सम्मान के साथ उस फोटो को अपने सेना में वापस लेकर अपने स्थान पर ला देते थे। जसवंत सिंह की अदम्य शौर्य की इस अद्भुत दास्तां को सलाम।